नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और आप सब देख रहे हैं अभिनंदन टेक्नो होस्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि लास्ट वीडियो से पहले जो एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, उसमें मैंने गूगल फ़ोटोज़ के बारे में एक अपडेट बताया था कि गूगल फ़ोटोज़ जो है 1 जून के बाद अपने फ्री सर्विसेज को बंद करने वाला है, यानी कि आप इसमें फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज अब यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको यूज़ करने के लिए 130 रुपीज़ पर महीने का आपको पे करना पड़ेगा। अब इसको लेके आप लोगों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया और जितने भी लोगों ने देखा सबने तारीफ़ की, सबने कहा कि काफ़ी अच्छी अपडेट आपने बताई, जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को काफ़ी प्यार मिला। इस तरह से प्यार बनाए रखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो तो काफ़ी अच्छी बनी, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, लेकिन उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा उनको उनके बहुत सारे सवाल भी आने लग गए कि वो जो नया अपडेट आएगा 1 जून के बाद से, अब उनका डेटा, सबसे ज़्यादा सवाल तो मुझे इसी बात पे आया कि उनका जो पुराना डेटा भी सेव करके रखा गया है, उस डेटा का क्या होगा, क्या वो डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो अभी तक बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो सारे मैं कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये आज ऐसा लेट नाइट शूट कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले YouTube पर डाला था और उसका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको उस वीडियो को पहले देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें दी थी मैंने कि Google Photos किस तरह से अपने सारे सर्विसेज को, अपने फ्री सर्विसेज को जो है रिस्ट्रिक्ट करने वाला है। अब जो है 15 GB का लिमिट आपको मिलेगा, 15 GB का स्पेस आपके पास लिमिटेड होगा। उसके बाद अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 130 रुपीज़ पर मंथ का पे करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने यूट्यूब पर डाला और उस वीडियो का जो कुछ क्लिप है मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, उसको फेसबुक पे भी डाला, उसको इंस्टाग्राम पे भी डाला। तो मुझे क्या है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर कर दिया तो सभी जगह से अच्छा रिस्पांस भी मिलने लगा और ज़्यादातर मुझे मैसेजेस आने लग गए। जैसे कि जो जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में है, बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछा है कि सर इसका क्या होगा, मतलब हमारे पुराने डेटा का क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट तो नहीं हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हमने सेव करके रखा है। और इस तरह से मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने पूछा और यूट्यूब पे भी कुछ लोगों का कमेंट आया है, जिसमें से मोस्टली सबका यही सवाल है कि, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, मोस्टली सबका यही सवाल है कि हमने पहले से जो डेटा रखा है, पहले से जो भी डेटा सेव करके रखा है, उसका क्या होगा। तो हालांकि मैंने उस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कन्फ्यूज़न आज क्लियर कर देता हूँ कि आपने जो पहले से डेटा सेव करके रखा है, चाहे वो फ़ोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो, उसका क्या होगा 1 जून के बाद। देखिए, आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि आपका जो भी डेटा आपने पहले से सेव करके रखा है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। मैंने जो वीडियो बनाया था उसका पर्पस यही था कि गूगल जो है अपने फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज को बंद कर रहा है। गूगल ने कहीं भी गूगल फ़ोटोज़ के सर्विस के साथ ये चीज़ नहीं कहा है कि आपका जो है डेटा कहीं से डिलीट किया जाएगा, ऐसा मैंने वीडियो में कहीं भी नहीं बताया था कि डेटा कुछ डिलीट होगा। और वही चीज़ सच्चाई है कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए, डिलीट वाली बात मैंने कहीं नहीं बोली है। और आप लोग को भी समझना चाहिए कि आप सेटिंग्स में जाकर खुद देख सकते हैं कि डिलीट का ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। गूगल ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि मैं आपका या हम आपका डेटा डिलीट कर देंगे, ऐसा गूगल ने कभी नहीं कहा है। ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अनवांटेड लोग जो अपलोड कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब गूगल ने इसको पेड कर दिया है तो लोग जो है ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। बहुत सारे यूज़र है जो डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा अपलोड करते हैं, उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अब गूगल ने ये फैसला लिया है। बस इतना ही था, आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। इस चीज़ डिलीट वाले वर्ड को दिमाग से निकाल दीजिए, डिलीट कुछ भी नहीं होने वाला है। उल्टा आपको जो है एक 15 GB का लिमिट मिला है जो पहले भी था, आप उसके अंदर अपना जो भी स्टोर करना है कर सकते हैं। 1 जून के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 15 GB का लिमिट होगा। बस फ्री में यूज़ करना है तो 15 GB तक का ही लिमिट मिलेगा। और अगर इससे ज़्यादा आपका डेटा है, 15 GB के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि और भी आपको डेटा यूज़ करना है, आपको आपके पास और डेटा है जिसको अपलोड करना है, तो अगर आपने 15 GB का स्पेस पूरा भर दिया तो आपको क्या करना होगा, आपको 130 रुपीज़ पर मंथ पे करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। या ईयरली प्लान है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो ये है कि अब फ्री नहीं है, पहले ये सारी चीज़ें फ्री थी, बिल्कुल भी पैसा नहीं लग रहा था,
आप जितना मर्जी जितना चाहे अनलिमिटेड फ़ोटोज़ वीडियोज़ इसमें डाल सकते थे। तो यही था अपडेट अपने गूगल फ़ोटोज़ के बारे में, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइए, मेरा ये आज वीडियो पे आने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों का मैसेज क्लियर होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन बाकी है, आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, आपका जितना भी डेटा है अभी भी काफ़ी समय है, आप उसको बैकअप कर लीजिए। मैंने भी अपना बहुत सारा डेटा बैकअप करना स्टार्ट कर दिया और डेली बेसिस पर मैं बैकअप कर रहा हूँ। जितने भी मेरे जो भी मुझे काम की चीज़ें लग रही है मैं सारा बैकअप करके रख ले रहा हूँ। तो यही है, आपके लिए भी यही मेरा सुझाव है कि आप लोग डरिए नहीं, निश्चिंत रहिए, डिलीट जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो पुराना डेटा जो भी आपने सेव किया था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, डिलीट कुछ भी नहीं होगा। आपका डेटा गूगल के साथ बिल्कुल सेफ है, आपने जो भी पुराना डेटा उसमें डाल के रखा है आप उसको 1 जून के बाद भी यूज़ कर पाओगे। यूज़ करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने जो कुछ भी डाल के रखा है उसको यूज़ कर सकते हो। गूगल ने इसीलिए तो आपको सबसे बहुत पहले ही बता दिया ताकि आप जो नेसेसरी एक्शंस हैं आप पहले से प्रिपेयर हो सकें, आपके पास जो भी डेटा है वो आप उसको बैकअप लेके पहले से प्रिपेयर रह सकें। इसीलिए इतना पहले अनाउंस किया गया है। अगर ऐसे अचानक से गूगल अनाउंस करता कि चलो हम कल से, जैसे नोटबंदी का अनाउंसमेंट हुआ था, अगर वैसे अनाउंस कर देता कि मैं चलो अब कल से जो है हमारा सारा सर्विस पेड होने वाला है, फ्री सर्विस बंद होने वाला है, तो हाहाकार मच जाता। तो ये चीज़ तो अच्छा हुआ ना कि चलो कम से कम आपको 1 महीना पहले ये नोटिस मिल गया कि अब जो है अगले महीने से यानी जून महीने से ऐसा कुछ होने वाला है, ताकि आपको भरपूर समय मिल जाए अपना सारा डेटा बैकअप करने का। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको उससे मैसेज क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ध्यान से समझिए और मेरी उस वीडियो को भी जो मैंने गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर बनाई थी, गूगल फ़ोटोज़ का नया अपडेट जो आया उसके ऊपर वीडियो बनाई है वो आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ वीडियो को समझिए ध्यान से, ठीक है? और आपका डेटा बिल्कुल सेफ है, टेंशन मत लीजिए, और आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको बैकअप करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 जून आने में काफ़ी वक्त है, 2 हफ्ता बाकी है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।